शिवपुरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 14 लूटों का खुलासा कर 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लूटा हुआ करीबन 8 लाख का मशूका किया बरामद। 6 नवंबर 2022 को फरियादी सुभाष गुर्जर पुत्र महताब सिंह गुर्जर उम्र 19 साल निवासी ग्राम दुमदुमा थाना करेरास ने चौकी सुनारी पर रिपोर्ट किया कि 6 नवंबर को लगभग 7 बजे मैं और मेरी भाभी रुकमणी बहन अंजू रिश्तेदार के ग्राम रायपुरा जा रहे थे। तभी उसी समय ग्राम राय पहाड़ी लमकना के बीच आम रोड पर एक काले रंग की हीरो मोटरसाइकिल बिना नंबर पर 3 अज्ञात व्यक्ति द्वारा कट्टा अड़ाकर गोली और मारकर सोने की अंगूठी, सोने का मंगलसूत्र, पुतली लूट कर ले जाने की रिपोर्ट की। तो वहीं MPDPV के एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। उस घटना को शिवपुरी SP राजेश सिंह चंदेल ने गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए और विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। वहीं इस घटना में दतिया पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के सहयोग से पुलिस टीम ने वारदात की पता साझा कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। मोनू नामदेव की रिपोर्ट। आज बहुत अच्छी सफलता हमको अंतर्राज्यीय लूट गिरोह पकड़ने में मिली है, जिसमें हमारे शिवपुरी में पिछले साल भर से 14 लूटों का खुलासा हुआ है, जो अलग अलग टाइम में अलग अलग थाना क्षेत्रों में किए हैं। समूलता करेरा थाना, करेरा सब डिवीजन में और पिछोर सब डिवीजन में ज्यादा वारदातें होंगी, लेकिन कोलारस और शिवपुरी सब डिवीजन की भी वारदातें हैं हमारी। इसमें अभी जब 5 तारीख को एक आखिरी लूट हुई थी, उसके बाद से हम लोगों को कुछ क्लू लगा था इस बारे में। उसके बारे में लगातार हमारे एडिशनल सचिव प्रवीण भूरिया, जो भी संजय चतुर्वेदी, TI सतीश चौहान और हमारे थाना प्रभारी अमोला संतोष भार्गव कुछ जानकारी निकाले, उसके बाद लगातार उस पर लगे रहे। इसमें कल हमको ब्रेक थ्रू मिला, जब हमको इनके बारे में सूचना मिली कि ये संदिग्ध हालत में 3 बदमाश जो आइडेंटिफाई अलग अलग तरीकों से हो रहे थे कि वारदातों में हैं, वो हैं, तो उनको फिर पकड़ा गया और उसके बाद में 3 और आरोपी पकड़े गए हैं। तो इनसे करीबन 8 लाख का सोने चांदी का सामान मिला है और इनमें से 2 व्यक्ति झांसी के हैं, 4 लोग दतिया के हैं। ये इनको कुल अभी 6 आरोपी हमने पकड़े हैं, इनमें 1 या 2 आरोपी दूसरे लूट कुछ लूटों में अलग 1-2 लोग भी आए हैं, उनको भी पकड़ना है। और इसमें अभी हम लोगों को 2 मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई थी, 1 मोटरसाइकिल जो घटना लूटों में जो माल मिला है उसको बेच के खरीदी गई थी, वो पकड़ने में सफलता मिली। 8 लाख के सोने चांदी के जेवरात हैं और इस पूरी कार्रवाई में लगातार ये हमारे पुलिस टीम ने अच्छा काम किया। ये सामान्यतः करते ये थे कि ज्यादातर इनके लूट के जो टारगेट रहता था वो महिलाएं जो पीछे किसी की गाड़ी में बैठी हैं, तो वो कट्टा दिखाते थे और उसके जेवर उतरवा लेते थे, क्योंकि उनको रहता था कि जेवर तो मिल ही जाएंगे महिला है तो। और सामान्यतः सुनसान जगह की तलाश करते थे जहां पे मिल जाए। उसके बाद चोरी की गई मोटरसाइकिल का इस्तेमाल अपराधों में करते थे, ताकि अगर कोई बात है तो मोटरसाइकिल भी 2 और 3 स्पॉटों पर हमको चिन्हित हुई, लेकिन वो कहीं ना कहीं चोरी की मोटरसाइकिलें थी, तो उनको फिर निकालने में पुलिस को दिक्कत आती है। लेकिन जब ये पूरी टीम बनाई गई थी एडिशनल एसपी के नेतृत्व में, तो लगातार काम किया। इसमें संतोष भार्गव की मुख्य सूचना एक मिली थी, जिसके बाद उसको डेवलप किया और हमारे थाना प्रभारी जो सुरवाया है रामेंद्र चौहान, इनके साथ में अरविंद चौहान जो बैराड़ के हैं, और सतीश जैन ठंडा चौकी प्रभारी, अंशुल गुप्ता खोड़ चौकी प्रभारी, हिम्मतपुर के हमारे चौकी प्रभारी जो है नितिन भार्गव, इन लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की, उनकी टीम ने मेहनत करी है, जिसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है और ये हमको अंतर्राज्यीय गैंग पकड़ने में सफलता मिली। इसमें एक कट्टा भी हमने जो